हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। देखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम छोटे चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, इनको एक्सेलरेट कर सकते हैं, यानी इनकी स्पीड को इनक्रीज़ किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन का इन्वेंशन ईयर 1934 में ईओ लोरेंज और एमएस लिविंस्टन ने किया था। एक्चुअल में उनको न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए एक हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साइक्लोट्रॉन को डिज़ाइन किया था। तो चलिए देखते हैं इस डिवाइस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डिवाइस के अंदर मेटल के बने हुए दो होलो कंटेनर होते हैं, जिन्हें हम मेटल डीज कहते हैं। इनका नाम मेटल डीज इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनकी जो शेप है वो इंग्लिश के लेटर डी की तरह होती है। इन दोनों मेटल डीज को एक वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है ताकि जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना होता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना होता है, उसकी किसी एयर के मॉलिक्यूल से या किसी दूसरे पार्टिकल से कोई कोलिजन ना हो और उसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी में कोई कमी ना आए। इन दोनों डीज को एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है जिसे हम ऑसिलेटर भी कहते हैं। ऑसिलेटर का काम होता है इन दोनों डीज के बीच में एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। यहाँ पे जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना होता है उसका जो सोर्स है उसे इन दोनों डीज के बीच में रखा जाता है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया जाता है जो कि इन दोनों डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवाते हैं तो उसका जो पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ होता है। उस सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, और फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड और उसके पाथ की रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी भी स्पीड से एंटर करे उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा qb/2πm। साइक्लोट्रॉन के अंदर ये जो ऑसिलेटर लगा होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखी जाती है जिसे हमको एक्सेलरेट करना होता है। इसलिए जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है उसे ही हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके पाथ की रेडियस होती है r=mv/qb। और फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ द पाथ है वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इस डिवाइस में इन दोनों डीज के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है और इस मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाना। साथ ही हम इन दोनों डीज के बीच में इस ऑसिलेटर की हेल्प से एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज़ करना। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सकता है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन इस बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक हाई फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हाई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं तो इसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि ये डिवाइस किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हम जानते हैं कि जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का एसी वोल्टेज सोर्स या ऑसिलेटर हम यहाँ पे इन दोनों डीज से कनेक्ट करते हैं। यानी चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेम रखी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब चार्ज पार्टिकल इन डीज के अंदर अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो उतने ही टाइम के अंदर ऑसिलेटर वोल्टेज भी अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। हम जानते हैं कि ऑसिलेटिंग वोल्टेज के कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। इसका मतलब है कि एट ए टाइम अगर ऑसिलेटर का ये सिरा पॉजिटिव है और ये सिरा नेगेटिव है तो T/2 टाइम बाद में ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहेगी और इसकी वजह से जो दोनों डीज हैं जो कि ऑसिलेटर से कनेक्टेड हैं उन पे चार्ज की पोलैरिटी भी बार बार चेंज होती रहेगी और उसकी वजह से दोनों डीज के बीच में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। अब हम जानते हैं कि जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना होता है उसका सोर्स दोनों डीज के बीच में होता है। तो मान लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो V1 वेलोसिटी से D1 के अंदर इंटर करता है। अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इसलिए इसका जो पाथ है वो एक सेमी सर्कुलर पाथ रहेगा।
अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल D1 से बाहर निकलने को होता है, हम ऑसिलेटर को इस तरीके से एडजस्ट रखते हैं कि इसका ये वाला जो सिरा है जो कि D1 से कनेक्टेड है ये पॉजिटिव हो जाता है, और जो दूसरा सिरा है जो कि D2 से कनेक्टेड है वो नेगेटिव हो जाता है, और इसकी वजह से दोनों डीज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, इसलिए दोनों डीज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन D1 से D2 की तरफ होती है। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल इन डीज के बीच में आता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो D2 के अंदर पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से एंटर करता है, यानी चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला होता है R=mv/qb, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उससे चार्ज पार्टिकल की रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो D2 के अंदर पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा रेडियस के पाथ के ऊपर मूव करेगा, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी इस चार्ज पार्टिकल को D2 के अंदर जो हाफ साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगेगा वो T/2 के इक्वल होगा, यानी टाइम पीरियड का हाफ रहेगा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल D2 से बाहर निकलने को होता है, यहाँ पे जो ऑसिलेटर है उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, यानी अब जो D2 है वो पॉजिटिव हो जाती है और D1 नेगेटिव हो जाती है, और इसकी वजह से दोनों डीज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी पहले से रिवर्स हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होती है D2 से D1 की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है, और उसकी वजह से जब चार्ज पार्टिकल D1 के अंदर इंटर करता है तो उसकी स्पीड पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाती है, और साथ साथ उसके पाथ की रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब जब चार्ज पार्टिकल इन दोनों डीज के बीच में इस गैप के अंदर आता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट बना रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक स्पायरल पाथ के ऊपर मूव करता है, और उसके पाथ की रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है। जब चार्ज पार्टिकल की रेडियस इंक्रीज होते होते ऑलमोस्ट इन डीज की रेडियस की इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी होती हैं जिनके थ्रू उस चार्ज पार्टिकल को हम इन डीज से बाहर निकाल लेते हैं। जब चार्ज पार्टिकल इन डीज से बाहर निकलता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल को उस टारगेट की तरफ भेज दिया जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलता है तो उसके पाथ की रेडियस ऑलमोस्ट डीज की रेडियस के बराबर होती है। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल के पाथ की रेडियस को लिखा जा सकता है R=mv/qb, और यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो v=2 लिखा जा सकता है, यानी जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको लिखा जा सकता है v=qbr/m। अब अगर हम चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv². तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हम इस इक्वेशन से v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो फॉर्मूला बन जाता है q²b²r²/2m। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो साइक्लोट्रॉन है उसको यूज़ करके हम चार्ज पार्टिकल की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या क्या होती है। देखिए, साइक्लोट्रॉन को अनचार्ज पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन या एटम्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन पे चार्ज नहीं होता, और अगर चार्ज नहीं होगा तो इन पे ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इनको एक्सेलरेट नहीं किया जा सकेगा। साइक्लोट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मास काफ़ी कम होता है। मास कम होने की वजह से एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड और रेडियस को इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है कि वो डीज के अंदर ही कोलाइड होके एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लोट्रॉन की हेल्प से एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन को हम किन किन जगह पे यूज़ करते हैं। देखिए, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, और उसकी हेल्प से हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी कर पाते हैं। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम आयंस को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, और उन हाई एनर्जेटिक आयंस को किसी भी सॉलिड में इम्प्लांट किया जा सकता है, जिसकी वजह से उस सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको चेंज किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से प्रोड्यूस किए गए हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल से हम न्यूक्लियर रिएक्शंस भी स्टार्ट करवा सकते हैं, और उससे जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के अंदर डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने साइक्लोट्रॉन को डिटेल में स्टडी किया। हमने स्टडी किया कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है,
साथ ही इसके यूजेज और लिमिटेशंस क्या-क्या हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।